देखो प्रश्नावली 2.4 कर रहे थे, प्रश्न क्रमांक 4 में करना है। प्रश्न क्रमांक 3 तक हो गए सभी के? यस सर। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है? गुणनफल याद करना है और आपको द्विघात बहुपद दिए गए हैं, ठीक है। पहला वाला है 2x, 12x - 7x + 1। गुणनखंड याद करना कितने लोगों को आता है? 4-5 लोग। इधर लड़कों में आता है? नहीं आता। देखो क्या करना होता है गुणनखंड, देखो जो गुणनखंड है ना ये आपको 9, 10, 11, 12 हर जगह आने वाले हैं। हर क्लास में अगर मैथ दोगे तो 10th में तो आना ही है, इसलिए समझ लो जो पहला पद दिया है और लास्ट वाला है दोनों को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। अरे क्या करना है, जो पहला दिया है 12x² और लास्ट वाला 1, बेटा इधर दोनों का गुणा करेंगे 12x² + 1 का, तो कितना जाएगा 12x² जाएगा। किस किस का गुणा होगा देख लो, यहाँ पर 12x² का और 1 का, जो पहला वाला है और लास्ट वाला दोनों का आपस में गुणा करके देखना है, और बीच में कितना दिया है माइनस का 7x दिया है। अब इस 12x को हमें दो भागों में तोड़ना है, कौन कौन से दो भागों में तोड़ना है? अगर हम उनका गुणा करें तो हमें 12x² मिल जाए और उनको जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7x मिल जाए। तो देखो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 6 × 2 लिखोगे तो क्या जाएगा 12 आएगा, लेकिन हम 6 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। तो इससे तो काम नहीं बनेगा, अगर आप लिख सकते हैं 4 × 4 किया कितना हो जाएगा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो हमें माइनस का 7x चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4x कर लेंगे और गुणा में माइनस का 3x, माइनस का 4x और माइनस का 3x जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 7x, और दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 12x² आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इधर आगे आज ही आएगा, आज ही आएगा, पहला दिन समझ में आ गया। कैसे तोड़ना है इसको, ऐसे तोड़ना है कि जो बीच में संख्या दी है वो जोड़ने घटाने पर हमें मिल जाए, वो जो 12x² गुणा करके आ रहा है इन दोनों का गुणा करें तो 12x² ही आना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन संख्या आ गई, 4x और माइनस का 3x आ गया। देखो ये तो इतना आपका रफ वर्क हो गया, अलग से करके देखना है। 12x² को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे, माइनस 7x की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x, प्लस का क्या दिया है 1 दिया है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो 12x² और माइनस के 4x में से कुछ कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें एक स्टेप और बढ़ा दो, आप ऐसे लिख लो इसको 4x + 3x, 12x² को हमने कैसे लिख लिया 4x + 3x करके लिख लिया, 4 दिया 12 हो जाएगा, x का x में गुणा होगा तो x वर्ग आएगा। समझ में आ रहा, दिख रहा है जरा आपको? फिर ये -4x और इसमें हमने 1 का गुणा कर दिया, 4x में 1 का गुणा करेंगे तो 4x ही आएगा। कर सकते हैं, किसी भी संख्या में आप अपने मन से 1 का गुणा कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3x बचा प्लस 1 बचा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें 4x दिया है और इसमें भी 4x दिया है, तो 4x को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ क्या बचा सिर्फ 3x माइनस 4x, तो बाहर चला गया क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ देखो माइनस का 3x है और प्लस का 1 है, इसमें से हम माइनस का 1 बाहर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास है माइनस का 3x प्लस का 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 × 3x, ठीक है, प्लस इस 1 को आप लिख सकते हो क्या, इस 1 को आप लिख सकते हो -1 × -1। ध्यान से समझना, यहां से कॉमन लेने में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, 3x प्लस माइनस का है 1 प्लस का है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x को आप माइनस 1 × 3x लिख सकते हैं,
क्योंकि 3x का गुणा माइनस के 1 में होगा तो माइनस का 3x ही आएगा। क्लियर है सभी को? और यहाँ हमने 1 को कैसे लिख लिया, माइनस 1 गुणा माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1 में गुणा होगा तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये वाला माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा इधर, क्या बचा से 3x, मतलब इसमें से माइनस 1 कॉमन गया तो सिर्फ प्लस का 3x बचेगा, और प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। इमरान इधर बोर्ड पे, अब देखो 3x माइनस 1 यहाँ भी है और 3x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों तरफ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 1, यहाँ क्या बचा 4x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस का 1 बचा। समझ में आया सभी को? तो ये 12x² माइनस 7x प्लस 1 भी क्या आ गए, गुणनखंड आ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसे समझ में ना आया हो बेटा इधर पीछे, अगला सवाल आपको ही करना है। समझ में आया? यस सर। चलो नोट कर लो।